धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। करीब 70 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंचा हूं बागपत की बड़ो तहसील के तित्रोदा गांव में। ये वो गांव है जहां पर वो एक लड़की रहती है जिसके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है बागपत के निवाड़ा गांव में। और जब निवाड़ा गांव में मौत हो गई, उसके बाद उसके पूरे परिवार ने, जो मुस्लिम था पहले, बाद में हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया। खबर आई कि 20 लोगों ने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया है, लेकिन फिर थोड़ा उसमें खबर के अंदर तब्दीली हुई। जो उस घर की औरतें थी और कुछ लोग थे, 7 लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उस घर के अंदर, इस घर से जहां मैं आज बैठा हुआ हूं, 2 लड़कियां थी। एक की शादियां दोनों की हुई थी, लेकिन एक लड़की की विदाई कर दी गई थी, दूसरी लड़की की विदाई नहीं की गई थी, जिसकी गुलजार की पत्नी की विदाई नहीं हुई थी। जो मेरे साथ हैं ये हैं असमा, इनका नाम छोटी भी है, इन्हें छोटी कहते हैं। ये गुलजार के बड़े भाई के घर में थी, इरशाद के घर में। इनकी एक बच्ची भी है, अभी एक महीने की भी नहीं हुई, 11 सितंबर को बच्ची इनकी हुई है। ये उस वक्त वहीं थी जब वो गुलजार की, जिसे गुलशन भी कहा जाता है, उसकी मौत हुई है। तो इनसे बात करेंगे, समझेंगे। इन्होंने वैसे साफ मना कर दिया है कि ये मुसलमान नहीं होंगे, और इनके अब्बा जाके इनको, यानी कि इनके वालिद, इनके पिताजी इनको जाके ले आए हैं। उन लोगों ने जब ऐलान कर दिया पूरा यज्ञ करके, हम लोग हिंदू धर्म इख्तियार करने जा रहे हैं, उससे पहले ही ये ले आए। तो छोटी, ये बताओ, तुम उस दिन जब 23 जुलाई को जब उसकी मौत हुई गुलशन की, तो उस दिन तुम कहाँ थी? मैं अपने घर में थी, खाना बना रहे थे हम, मतलब वहीं पे थी ना। हाँ जी। और सामने जो दुकान है उसमें वो था। हाँ, क्या पता चला तुम्हें? हम पता चला एकदम तिरुक करोला होया, गए हम भी भाग के, इतने में उसे गली में ले आए थे, इतना देखा गली में। देखा? हाँ जी। गली में क्या देखा, क्या था, मतलब कैसी हालत में था? ला रहे थे मतलब उसे गोद में उठा के, दो जने, और सब आ गए थे वहाँ पे, मोहल्ले पड़ोस वाले। फिर ला के उसे लेटा दिया था। हाँ जी। फिर क्या हुआ, नहलाना धुलाना हो गया था? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। हम खूब रो रहे थे, सारे परिवार वाले जितने भी थे। हाँ जी, एकदम से क्या हुआ यो, तो रो रहे थे। तुम्हें तो और ज्यादा तकलीफ होगी, तुम्हारी छोटी बहन का शोहर था वो, ज्यादा ही होगी थी। हाँ। फिर तो क्या लग रहा था, उसको किसने मार दिया था कि वो खुद मर गया था? हमें दोनों लगा था जी, मार दिया किसने यो। अच्छा, कैसे लगा वो बताओ थोड़ा सा, किस बात से लग रहा था? देखने से चोट थी उसके शरीर पे? हाँ, जितनी उस पे चोट थी मतलब उसे उतारा, इस वजह से लग रहा था। सब कह रहे थे मौत है तो जी, करप्शन मतलब। हाँ जी। क्यों मारा उसको? पता नहीं जी इस बात का। कोई पैसे का लेन देन? नहीं, कुछ नहीं। कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, फसाद, कुछ? कुछ भी ना थी जी, बढ़िया रह रहे खा रहे थे हम। क्यों मारेगा फिर कोई उसको? और साबिर जो है वो उसकी फूफी का लड़का, उस पे क्यों इल्जाम लग रहा है? पता ही नहीं जी इस बात का, हमने क्यों लगा रहे। तुम तो उस घर में कितने साल से हो? तीसरी साल लगी है। तुम्हारी बहन की विदाई नहीं हुई थी? नहीं जी। क्या नाम है छोटी बहन का? गुल्लो। गुल्लो की विदाई नहीं हुई? नहीं जी। तुम्हारी विदाई कर दी थी? हाँ जी। अच्छा, तो अभी ये बताओ उसमें कि ये जो हिंदू बनने की तरफ गए, वो सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? जैसे गुलजार मारा। हाँ। और वहाँ से चले तो कह रहे थे हम तो धर्म, 7 दिन बाद चले वहाँ से ना, 6-7 दिन बाद, पता नहीं जी तो क्या दिन बाद चले, 6-7-8 दिन बाद चले, मतलब वहाँ से चले तो कहने लगे हम तो धर्म परिवर्तन करेंगे, वहीं से कहना शुरू कर दिया। हाँ जी, मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद भी तुम उनके साथ रही हो 2 महीने तक? हाँ जी। बदरखा जाके? हाँ जी। तो वहाँ भी कहते थे हम तो धर्म परिवर्तन करेंगे? हाँ जी। क्या कहते थे? तुम भी बदल लो धर्म? वो तो मर्जी थी मेरी जी। अच्छा। हाँ जी। नहीं, मर्जी तो थी, लेकिन कहते तो होंगे ना, नू तो सारे ही थे वहाँ पे घर भाई। हाँ। हाँ। तो मेरे पे दाब नहीं दी, मैं कह लगी मैं नहीं बनने की, तुम जो चाहो वो बन जाओ। पहले ही दिन से मना कर दिया? पहले ही दिन से नहीं, मैं को वैसे ही कर रहे। अच्छा, तुमने वैसे ही बोल रहे? मैं को वैसे ही बोल रहे, दिमाग सही हो जाऊंगे भाई, सब समझावेंगे, पर किसी की नहीं मानी उन्होंने। तुम समझाती थी उनको? हाँ, क्या करूँ थी मैं भी, अपने आदमी को समझाती थी कि सबको समझाती थी? अपने आदमी को ही बस। वो क्या कह रहे थे? बनेंगे हम तो हिंदू ही, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, निर्णय नहीं मिल रहा मतलब। तो उन्हें ये लगता था कि हिंदू बन के इंसाफ मिल जाएगा? हाँ जी। अच्छा, मुसलमान है इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा है? मुसलमानों ने कहा हमारा साथ नहीं दिया, योगी की सरकार में हिंदू बन जाएंगे तो साथ इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ मिल जाएगा जी, नू लग रहा था उनको। कोई आता था हिंदू संगठन के लोग, जैसे हिंदू वाली तंजीमें देखी होंगी ना तुमने, वो लोग आते जाते थे घर पे इनको कुछ कहने सुनने, या ये उनके पास जाते थे? हाँ, सब आ रहे थे, उनके मुसलमान भी हिंदू भी। हाँ जी। नहीं, जब बदरखे चले गए तो हिंदू वाले जो संगठन है, संगठन तो समझती होंगे ना, जो लोग तंजीम बना लेते हैं, पार्टी वाले थे, वो आते थे इनके पास?
अब तो मुझे पता नहीं पार्टी वाले थे वे कैसे थे, पर आया कर रहे थे मुसलमान भी आया कर रहे थे, हिंदू भी आया कर रहे थे। इस बात को मैं नहीं कह सकती तो क्या समझा थे? वो कह रहे थे हिंदू हो जाओ। मुसलमानों ने समझाए बतेरे नहीं मानने वे। और हिंदू क्या समझाते थे? हिंदू भी कुछ नहीं कह रहे थे जी, उनकी मर्जी थी बननी हो तो। नहीं, कोई तो आदमी था ना जो कह रहा होगा भैया तुम्हें हिंदू बनवा देंगे। जब भी कोई आदमी कहेगा मुझे मुसलमान बनना है तो वो किसी मुल्ला मौलवी को पकड़ेगा, भाई मुझे मुसलमान बनवाओ। जब कोई कहेगा हिंदू बनेगा तो वो किसी हिंदू आदमी को पकड़ेगा ना कि हिंदू कैसे बनना है। किससे मिलते थे वो, कौन आता था ऐसा आदमी? बतेरे आते जी, इस बात को मैं नहीं कह सकती कि वो आकर रहता। देखिए लड़की इसलिए क्लियर नहीं कर पा रही है क्योंकि आप समझ रहे हैं अभी बच्चा एक महीने का है और वो उस स्थिति में नहीं थी कि ज्यादा लोगों के सामने जा पाती हो। तो, हाँ, जी, तो ये लड़की इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं बता पाएगी। ये ठीक थी उस घर में थी लेकिन घर के बाहर मान लीजिए बैठ के क्या, पर घर में जब आते होंगे बातें करते होंगे तुम्हारी सास ससुर जेठ देवरानी। देखो जी हमें तो वे बता कर नहीं था कुछ भी, सुनने से तो पता चली जा। हाँ जी सुनने से पता लगा। क्या लगे? कौन था वो जो धर्म बदलवा रहा था उनका? कोई नहीं बदलवा रहा था, अपना आप बदल रहे थे वे। तुम कब आई हो अभी यहाँ पे? पिछले जुम्मे को आई थी, आज 9 दिन है। 9 दिन हो गए तुम्हें, यानी कि उनके धर्म बदलने से पहले आ गई? पहले आ गई थी। कैसे तुम्हें पता चल गया कि अब वो बदलने वाले हैं? बिल्कुल तैयारी हो गई। फोन करा था हमन करेंगे परसों। आपसे अलग एक बात करेंगे जी, पूरी तैयारी। ये लड़की के फादर है, ये ले आए हैं अपनी बच्ची को जाके। जब इन्हें क्लियर ये हो गया, इन्होंने कोशिशें बहुत की है, उनसे भी हम दिखाएंगे बातचीत कि उन्होंने कितनी कोशिशें की। उन्होंने बिरादरी को भी इकट्ठा किया, उन्होंने अपने गांव के यहाँ से लोग लेके गए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तो वो मान ही नहीं रहे, तो बिल्कुल जिद बैठ गए थे कि हम तो जी हिंदू बनेंगे। किसी की नहीं माननी उन्होंने, रिश्तेदारों की यारों की किसी की नहीं माननी। तो क्या नाम भी तय कर लिए थे कि जैसे पहले नाम दिलशाद है अब कुछ और नाम रखेंगे? नहीं जी, मेरा अगर नाम का कुछ नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। तुमने कहा तुम नहीं बदलोगी। हाँ जी। तुम क्यों नहीं तैयार, तुम भी हिंदू बन जाती? मैं तो अपने ईमान पर रहना चाहूंगी, मैं तो नहीं अपना ईमान खोती। अब जैसे तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई समझ लो, तुम्हारे पति तो हिंदू हो गया, तुम यहाँ आ गई हो, तो अब तुम ऐसे पति के साथ रहना चाहोगी? नहीं जी। अब क्या मतलब, अब तो संबंध ही खत्म होगा। अगर मान लो दोबारा से मुसलमान हो जाए तो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। या जो भी गुंजाइश होगी पता करके रहोगी नहीं? हाँ जी। नहीं जी, उनके नहीं रहने की मतलब। अगर वो दोबारा मुसलमान हो जाए तब भी? नहीं। देखिए इस लड़की के जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, एक महीने का बच्चा उसकी गोद में है। आप कल्पना करिए कितना बड़ा डिसीजन ले रही है। वो कह रही है कुछ भी हो जाए अब ऐसे शख्स के साथ नहीं रहेंगे जो 2 मिनट में अपने ईमान से फिर गया। तुम्हें गुस्सा है इस बात पे? नहीं जी। गुस्सा भी नहीं कि तुम्हारा पति हिंदू हो गया? हाँ जी, ये तो गुस्सा ही है जब मेरी भी नहीं माननी उन्होंने। हाँ। मेरे तो ना ही थी मगर मैं नहीं बनने की। तुम जो चाहो बन जाओ। तुम्हारे पे जोर नहीं दिया? मेरे पे जोर नहीं दिया। तुम्हें लेने कैसे पहुंचे, तुम्हारे अब्बा को कैसे पता चल गया कि वो, या तुमने बुलाया फोन करके? फोन आते जाते रहा करे। हाँ। हाँ जी। तुमने कह दिया? मैं कहा हिंदू बनेंगे, ये तो कह लगे तो आराम है बेटी। देखिए ये जो प्रसव वाला पीरियड होता है कहते हैं 1.25 महीने से पहले बच्ची बाहर नहीं निकलती। हाँ ऐसा कुछ है ना जी? हाँ जी। 1.25 महीने से पहले जो लड़की जच्चा होती है वो कहीं बाहर नहीं जाती है, लेकिन उससे पहले अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 11 तारीख को 1 महीना हो गया। लेकिन जब उसके पिता को पता चला तो वहां पहुंचे, उन्होंने फिर एक कोशिश की लेकिन वो फिर कोशिश नाकाम हो गई। फिर उन्होंने यही फैसला ठीक समझा कि वो अपनी बच्ची को ले आए। तुम मुसलमान ही रहना चाहती हो? हाँ जी। अगर पति आया खुशामद दरामद करने तो? नहीं जाऊं। नहीं जाओगी? अपनी बच्ची को मुसलमानी रखोगी, खुद भी मुसलमानी रहोगी? ये तो है। उन लोगों को कुछ कहना चाहती हो सकता है तुम्हारी आवाज सुन के वो कुछ और सबक आ जाए उन्हें? कुछ कहना चाहती? मैं कुछ नहीं कहना चाहती जब वो हिंदू ही बन गए। तो ये कुछ नहीं कहना चाहती हैं और इनके सामने ऐसी कोई चीज नहीं घटी है जो मौत के कारणों को क्लियर कर सके। साबिर से कोई दुश्मनी थी उसकी? नहीं जी, कुछ नहीं थी। अब बहुत सारी चीजें अभी भी लेकिन अलसुलझी हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, बहुत सारे पहलुओं से आपको बारी बारी से अवगत कराने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा बागपत पुलिस से भी आपको बात करके बताऊं कि आखिर बागपत पुलिस ने इसमें सही से जांच क्यों नहीं की और उस परिवार के अंदर आखिर मुसलमानों के प्रति इतना जहर क्यों भर गया। सवाल फिर मेरा वही है कि जहर भरा चलिए कम से कम मुसलमानों के प्रति भरा, इस्लाम के प्रति उनमें कोई जहर नहीं था, ना उन्होंने इस्लाम को कुछ भला बुरा कहा, लेकिन छोड़ गए वो मजहब इस्लाम को। मिलते हैं अगली खबर में।